দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সাংবাদিকেৰে মত বিনিময় পতঞ্জলিৰ প্ৰতিষ্ঠাপক স্বামী ৰামদেৱ আৰু আচাৰ্য বালাকৃষ্ণৰ হৰিদ্বাৰৰ পতঞ্জলি যোগপীঠত অনুষ্ঠিত হয় এই মত বিনিময় অনুষ্ঠান বিগত আঠাইছ বছৰে যোগ আয়ুৰ্বেদ আৰু সনাতন ভাৰতীয় সংস্কৃতিক লৈ আধাৰ হিচাপে লৈ পতঞ্জলীয়ে স্বদেশী আন্দোলন অব্যাহত ৰখাৰ যাত্ৰাৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে ৰামদেৱ আৰু বালাকৃষ্ণই भारतीय शिक्षा बोर्डर अग्रे सम्र देशन संस्कृति अधिनत गुरुकुल जैसे आपका चैनल नाम ही प्रतिदिन है प्रतिदिन की दिनचर्या में दिन, रोज का रोजमर्रा में योग आयुर्वेद स्वदेशी आ जाए और इसके साथ भारतीय शिक्षा बोर्ड पतंजलि गुरुकुलम आचार्यकुलम पतंजलि यूनिवर्सिटी के माध्यम से पूरा भारतीय शिक्षा व्यवस्था का और पतंजलि वेलनेस के माध्यम से भारतीय चिकित्सा व्यवस्था को विश्वव्यापी बनाना और खेती की आत्मनिर्भरता आर्थिक की आत्मनिर्भरता वैचारिक आत्मनिर्भरता ये हमारा मूल थीम है और इसी पर हमने कार्य किया है बहुत हद हाँ तक हम हम कामयाब हुए आगे हम चाहते हैं कि अब योग आयुर्वेद और स्वदेशी का जो मूवमेंट है विश्वव्यापी होना चाहिए भारतीय शिक्षा चिकित्सा और अनुसंधान का जो कार्य पतंजलि में चल रहा है एक दिन पूरी दुनिया में इसकी प्रतिष्ठा होगी पूरी दुनिया सनातन धर्म के पीछे चलेगी ये सच है कि तीस साल पहले हमने अपना सेवा यात्रा असम से शुरू किया ये जो पूरा पतंजलि के द्वारा उपकार उपचार परमार्थ और जो भी कुछ योगावेद स्वदेशी का अनुसंधान का जो भी अभियान इसका शुरुआत कोकराधार से डिब्रूगढ़ से उधर बंदरगुड़ी से और बॉर्डर पर जो है उधर असम बॉर्डर तक भूटान बॉर्डर तक वो जो है बंदरगुड़ी वो सब से हमने इसका शुरुआत किया था और अभी भी असम में हमारा श्रद्धा पराकाष्ठा में है असम में अभी भी हम गुवाहाटी में कर रहे हैं वहाँ गुरुकुल भी चला रहे हैं अभी आचार्य में और चला रहे हैं आगे वन्य से भी बनाने वाले हैं बहुत कुछ असम में